हेलो वेलकम एवरीवन, नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट डार्क रूम ऑफ डीआरटी पार्ट फर्स्ट। जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमारा डार्क रूम में टॉपिक चल रहा था इमेज क्वालिटी। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे। आगे का लेक्चर डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक के पीछे के लेक्चर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आगे के टॉपिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इस टॉपिक के अंदर भी क्या आ जाएगी, एक कंटिन्यूटी आ जाएगी। सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि हम इमेज क्वालिटी से क्या समझते हैं। रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी से हम यह समझते हैं कि आपकी जो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है वो ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट को विजुअलाइज करा पा रही है या फिर नहीं करा पा रही है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इमेज क्वालिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वो लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने फैक्टर्स पढ़े थे वो थे कौन कौन से। वो चार फैक्टर्स थे जिनके नाम इस प्रकार है, फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट, सेकेंड मोटल, थर्ड शार्पनेस एंड फोर्थ रिजोल्यूशन। ये चार ऐसे फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था जो इमेज क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। और फिर हमने डिटेल के अंदर ये भी पढ़ा था कि कैसे इन फैक्टर्स को अपन एडजस्ट करके इमेज क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, कॉन्ट्रास्ट की। कोई भी दो अलग अलग डेंसिटी के एडजेसेंट एरियाज़ को, यानी पास पास वाले क्षेत्र जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, उनको डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, कॉन्ट्रास्ट कहलाती है। अगर आपका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा तो आसानी से आप दो अलग अलग ऐसे क्षेत्र जिनकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, उन्हें आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बट अगर आपका कॉन्ट्रास्ट इमेज का अच्छा नहीं है तो आप उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब अपन बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की। सेकेंड फैक्टर में हमने मोटल के बारे में पढ़ा था। मोटल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नॉइज़। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण फिल्म की डेंसिटी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं और इन्हीं फ्लक्चुएशंस के कारण आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉइज़ भी कई प्रकार का होता है, मोटल, स्क्रीन मोटल, फिल्म मोटल और क्वांटम मोटल। इनके बारे में हमने पीछे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब अपन बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। थर्ड फैक्टर है आपका शार्पनेस, या फिर इसको हम ब्लर के नाम से भी जानते हैं। वैसे देखा जाए तो शार्पनेस और ब्लर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर के अंदर अपन दोनों डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ पे आपका शार्पनेस बढ़ेगा वहाँ पे आपकी ब्लरनेस कम होगी, और ब्लरनेस जहाँ पे कम होगी वहाँ पे शार्पनेस डिक्रीज होगा, ठीक है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि शार्पनेस अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपकी इमेज क्वालिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जहाँ पे शार्पनेस कम होगा मतलब ब्लर ज़्यादा होगी वहाँ पे इमेज क्वालिटी ऑब्वियसली बात है कि कम ही होगी। इमेज के ब्लर होने के कई कारणों के बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरा, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे मोशन अनशार्पनेस, मोशन का मतलब जब पेशेंट मूव कर जाए तो उस वक्त क्या होगी, आपकी इमेज ब्लर हो सकती है, तो इसको हम कम कैसे करते हैं, MA को बढ़ा के और एक्सपोजर टाइम को कम करके। दूसरा, कई बार क्या होता है कि फिल्म और स्क्रीन के बीच में स्पेस रह जाती है, तो अगर इनका कॉन्टैक्ट दोनों का अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे भी आपकी इमेज कैसी आ सकती है, ब्लर आ सकती है। तो इसका मतलब फिल्म और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छा रखना होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लास्ट फैक्टर की। लास्ट फैक्टर का नाम है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर, पिक्स के अंदर, हर जगह आप देखते हो हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो अलग अलग एरियाज़ को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना, या फिर एक किसी भी एरिया की बाउंड्री या फिर एज को अच्छे से डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें, जिस इमेज या फिर जिस पिक का रेजोल्यूशन कम होगा वहाँ पे आप कोई भी दो अलग अलग एरियाज़ की बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर पाओगे। बट जहाँ पे आपकी इमेज का रेजोल्यूशन अच्छा होगा वहाँ पे आप उनकी बाउंड्रीज़ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, इमेज क्वालिटी के अंदर ही, जो क्या है आपका रेसिप्रोसिटी फेल्योर, ठीक है। रेसिप्रोसिटी फेल्योर होता क्या है? रेसिप्रोसिटी एक लो था जिसका फेल्योर, यानी जिस लो का फेल हो जाना क्या कहलाता है, रेसिप्रोसिटी फेल्योर कहलाता है।
अब ऑब्वियस ही बात है कि रेसिप्रोसिटी फेल्योर पढ़ने के लिए आपको उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, रेसिप्रोसिटी लॉ। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोसिटी लॉ के बारे में समझेंगे, देन हम बात करेंगे कि ये लॉ फेल कैसे होता है, ठीक है। द रेसिप्रोसिटी लॉ स्टेट्स दैट द डेंसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन द फिल्म इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एम्प्लॉयड। दैट मीन्स रेसिप्रोसिटी लॉ आपको यह बताता है कि किसी भी फिल्म पे जो डेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी मात्रा किस पे निर्भर करती है, कि उस फिल्म को टोटल कितनी एनर्जी मिली। समझ में आया? मतलब रेसिप्रोसिटी लॉ ये चीज़ बताता है आपको कि फिल्म के ऊपर डेंसिटी का मतलब ब्लैकनिंग कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दिस कैन बी गिवन एज ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। रेसिप्रोसिटी लॉ को एक फॉर्मूले से अपन डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पे ई आपका है एक्सपोजर, आई यहाँ पे है आपकी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बीम, एंड टी इज द एक्सपोजर टाइम। दैट मीन्स कि अगर एक्सपोजर सेम है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी फिल्म पे डेंसिटी सेम आएगी। ये आपका रेसिप्रोसिटी लॉ बताता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो रेसिप्रोसिटी लॉ हमको ये बताएगा कि कोई भी अगर दो फिल्म है जिनको अपन एक्सपोज कर रहे हैं, अगर उनका एक्सपोजर सेम है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो डेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी। बट अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी लॉ क्या था आपका, ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पे आई इंटेंसिटी है और टी टाइम है। अगर अपन एक्सपोजर सेम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है डेंसिटी सेम प्रोड्यूस होगी। बट रेसिप्रोसिटी लॉ के अकॉर्डिंग आई और टी का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे आप आई को कम भी कर सकते हो, टी को ज़्यादा भी कर सकते हो, दूसरा टी को कम करके आई भी ज़्यादा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है अगर वो सेम है तो डेंसिटी भी क्या आएगी, सेम आएगी। ये कौन सा लॉ बता रहा है, रेसिप्रोसिटी लॉ आपको यह चीज़ बता रहा है, ठीक है। दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोसिटी लॉ ई इज अ कॉन्स्टेंट वाट एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड टी। इसका मतलब ये हुआ कि ई आपका यानी एक्सपोजर यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रह गई है, चाहे आपका कॉम्बिनेशन आई और टी का कुछ भी हो, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोसिटी फेलियर। अब अपन बात करते हैं कि रेसिप्रोसिटी लॉ फेल कैसे होता है। बट अबोव रेसिप्रोसिटी लॉ इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स कि जो अभी तक आपने रेसिप्रोसिटी लॉ पढ़ा वो सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट एक्सपोजर टाइम आल्सो रिजल्ट्स इन द डिफरेंस वैल्यूज ऑफ द डेंसिटी ऑन द फिल्म। जैसा कि इन्होंने बात की कि रेसिप्रोसिटी लॉ के अंदर ये बात है कि आपका एक्सपोजर सेम होना चाहिए, फिर आपकी जो डेंसिटी है, जो ब्लैकनिंग है फिल्म पे, वो सेम प्रोड्यूस होगी। बट अगर अपन बात करें एक्सपोजर टाइम की, अगर आपका एक्सपोजर टाइम आपने बहुत ज़्यादा कर दिया या फिर बहुत कम कर दिया, तो उससे आपकी डेंसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यानी कि जो ब्लैकनिंग आनी चाहिए थी फिल्म पे, वो ब्लैकनिंग आपको नहीं मिलेगी। दिस मीन्स दैट यूज़ ऑफ वेरी हाई एमए एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम और वेरी लो एमए एंड लॉन्ग एक्सपोजर टाइम विल नॉट गिव द सेम डेंसिटी ऑन द फिल्म। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जांपल अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपोजर को सेम रखने के लिए आपने क्या किया, पहले एमए तो हाई कर दिया और एक्सपोजर टाइम को कम कर दिया, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे, डेंसिटी प्रोड्यूस करके देखेंगे कि फिल्म पे कितनी डेंसिटी आती है। या फिर कई बार अपन क्या कर सकते हैं, एमए को बहुत कम कर सकते हैं, यानी इंटेंसिटी, एमए यहाँ पे क्या रेफर कर रही है, इंटेंसिटी को, एंड एक्सपोजर टाइम को अपन ज़्यादा कर देंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि आपकी जो फिल्म पे डेंसिटी है वो सेम नहीं मिलेगी। दिस इज़ नोन एज रेसिप्रोसिटी फेल्योर एंड इज़ गिवन बाय द एबने। और ये क्या था, रेसिप्रोसिटी लॉ का एक फेल्योर था जो किसने दिया था, एबने ने दिया था। रेसिप्रोसिटी लॉ और फेल्योर दोनों को हम एक बार दोबारा से सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं। रेसिप्रोसिटी लॉ हमको ये बताता है ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। वो बोल रहा है कि अगर एक्सपोजर्स की वैल्यू सेम है तो फिल्म के ऊपर डेंसिटी सेम आएगी। दैट मीन्स
कि आपका जो एक्सपोजर वो आईओटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब आईओटी का अगर मल्टीप्लिकेशन आपका सेम आ रहा है तो आपकी फ़िल्म पे आपको डेंसिटी सेम मिलेगी, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर अपन रेसिप्रोसिटी लो की बात करें तो अपन उसको फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं, एक बार कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि हम आई को कम कर सकते हैं और टी को ज़्यादा कर सकते हैं, आपका एक्सपोजर जो भी मिला आपको मिल गया, वही एक्सपोजर लाने के लिए आप इस बार क्या करोगे, आई को ज़्यादा कर लोगे और टी को कम कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या रखा, इक्वल रखा, दैट मीन्स आपका जो एक्सपोजर था वो सेम था, लेकिन आई और टी को आप क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो रेसिप्रोसिटी लॉ तो ये बोलेगा कि डेंसिटी सेम मिलेगी, बट रियल के अंदर जब अगर आप आई और टी की वैल्यू को बदलोगे तो वहाँ पे आपको सेम डेंसिटी नहीं मिलेगी, और यही क्या था, रेसिप्रोसिटी लॉ का एक सबसे बड़ा फेल्योर था जिसे साइंटिस्ट एबने ने दिया था, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इमेज क्वालिटी, सेंसिटोमेट्री। सेंसिटोमेट्री क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेंसिटोमेट्री की बात की जाए तो ये एक ऐसी फोटोग्राफिक साइंस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटोग्राफिक मटेरियल, वो चाहे आपकी फिल्म हो या फिर इसके अलावा कोई भी फोटोग्राफिक मटेरियल हो, उसकी सेंसिटिविटी किसके प्रति, किसी भी लाइट या फिर किसी भी रेडिएशन के प्रति उसकी कितनी सेंसिटिविटी है, उसको इस साइंस के अंदर मेज़र किया जाता है, और फिर उस सेंसिटिविटी को और जो एक्सपोजर था उन दोनों के बीच में ग्राफ्स प्लॉटेड किए जाते हैं। उस पूरी साइंस या फिर उस पूरी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। सेंसिटोमेट्री इज अ फोटोग्राफिक साइंस गिवन बाय द हर्टर एंड ड्रीफील्ड। दैट मीन्स सेंसिटोमेट्री एक फोटोग्राफिक साइंस है जिसे दो साइंटिस्ट ने दिया था, कौन कौन से, एक हर्टर और दूसरा ड्रीफील्ड। हर्टर और ड्रीफील्ड का नाम हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, जो आपका एक्सरे फिल्म का टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ऑप्टिकल डेंसिटी और एक्सपोजर के बीच में एक कर्व बनाया था जो किन्होंने डिफाइन किया था, दो साइंटिस्ट थे हर्टर एंड ड्रीफील्ड, और उस कर्व को हमने वहाँ पर एक और नाम दिया था एच एंड डी कर्व। वही दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस साइंस की खोज की थी, ठीक है। इट टेल्स अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फोटोग्राफिक मटेरियल। ये साइंस आपको क्या बताती है, किसी भी फोटोग्राफिक मटेरियल की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन यानी मापन, ठीक है, कि वो कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका परफॉर्मेंस का मापन ही इस साइंस के अंदर हम करते हैं, ठीक है। इन दिस द फोटोग्राफिक इमल्शन बी एक्सपोज टू अ स्पेसिफाइड लाइट सोर्स फॉर अ फिक्स्ड टाइम। अब किया क्या जाता है इसके अंदर, कि इस साइंस के अंदर कोई भी आपका जो फोटोग्राफिक मटेरियल है जिसकी सेंसिटिविटी को आपको मेजर करना है या फिर उसकी परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना है, इवेलुएट करना है, तो आप क्या करोगे, उस फोटोग्राफिक मटेरियल को एक स्पेसिफाइड लाइट सोर्स में या फिर स्पेसिफाइड रेडिएशन के सोर्स के अंदर एक्सपोज करोगे, ठीक है। फिर एक्सपोज करने के बाद क्या करोगे, उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करोगे, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या करते हैं, उस मटेरियल की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। एंड देन द इमल्शन इज प्रोसेस्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। दैट मीन्स कि जो आपका फोटोग्राफिक मटेरियल था जिसकी सेंसिटिविटी आपको मेजर करनी है, उस फोटोग्राफिक मटेरियल को आपने क्या किया था, एक स्पेसिफाइड लाइट सोर्स के अंदर एक्सपोज कराया था। एक्सपोज कराने के बाद उस फोटोग्राफिक मटेरियल की इमल्शन जो लेयर है जिसके अंदर आपके सेंसिटिव क्रिस्टल्स हैं जिनकी आप सेंसिटिविटी मेजर कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, तो उस इमल्शन को आप क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर प्रोसेस कराओगे, मतलब कि वो कितने सेंसिटिव हुए हैं या नहीं हुए, या फिर उन पे कितनी डेंसिटी आई है, कितनी ब्लैकनिंग आई है, उसको आप प्रोसेस कराओगे एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, ठीक है। द रिजल्टेंट डेंसिटीज प्रोड्यूस्ड ऑन द फिल्म आर मेजर्ड एंड देन ग्राफ्ड वर्सेज अ लॉगरिथम वैल्यू ऑफ द एक्सपोजर। दैट मीन्स ये हुआ कि जैसे आपने उसको प्रोसेस कराई, प्रोसेस कराने के बाद में आपके जो फोटोग्राफिक मटेरियल हैं उनके ऊपर क्या मिलेगी, आपको एक डेंसिटी मिलेगी, एक ब्लैकनिंग मिलेगी, उस ब्लैकनिंग को आप मेज़र करोगे, ठीक है। मेज़र करने के बाद में जो भी आपने उसको एक्सपोजर दिया था उसकी लॉग की वैल्यू के
वर्सेस के अंदर, उसकी लॉग की वैल्यू के वर्सेस के अंदर। मतलब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे जिसके एक तरफ तो आपका क्या होगा, एक्सपोजर की लॉग की वैल्यू होगी और दूसरी तरफ आपकी डेंसिटी की वैल्यू होगी। जैसा कि आपको अगर याद आ गया हो तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व था उसमें भी क्या था, यही था। कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो चीज़ों के बीच में कर्व था, एक थी आपकी वहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरा था लॉग ऑफ द एक्सपोजर, ठीक है। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो आपका कौन से टॉपिक में आता है, यहाँ पे सेंसिटोमेट्री के अंदर, ठीक है। वहाँ पे अपन ने एक्सरे फिल्म में भी उसे पढ़ा था और यहाँ पे भी एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं वर्बली कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो चीज़ों के बीच में कर्व था जिसको हर्टर और ड्रिफर ने डेराइव किया था, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड लॉगरिथम ऑफ द एक्सपोजर, यानी एक्सपोजर की लॉग के वैल्यू के बीच। और आपका जो कर्व था उसके तीन रीजन थे, एक शोल्डर रीजन था, एक स्ट्रेट लाइन थी और एक टो था। शोल्डर था वो हाई एक्सपोजर रीजन था, स्ट्रेट लाइन मीडियम एक्सपोजर रीजन थी और जो आपका टो था वो क्या था, वहाँ पे लोअर एक्सपोजर रीजन था। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो तीन रीजन है यहाँ पे, इनके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था और यहाँ पे भी हमने एक बार इसको दोबारा से डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी हम रिवीजन के अंदर एक बार दोबारा से ये सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।